हाय फ्रेंड्स, पाउसे रेडीमेड लेज़र में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं तो ये मूज जो रहता है उसमें लगाते हैं न्योन लाइटिंग। तो ये फिटिंग कैसे करते हैं और पॉइंट वगैरह कैसे निकालते हैं ये सब ये वीडियो में बताने वाला हूँ मैं आपको। आप देख सकते हैं इसकी अभी फिटिंग चालू है। ये पूरा हो जाने के बाद इसको वायरिंग करके बहुत ही शानदार बनाया जाता है। लाइटिंग की क्वालिटी वगैरह न्योन फ्लेक्सिबल है। देख सकते हैं आप इतना फ्लेक्सिबल करने के बाद भी ये लगेगी। इसकी पेस्टिंग चालू है, फुल टेस्टिंग के साथ, पेस्टिंग के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। इसे टब बॉन्ड बोलते हैं, चेरी बॉन्ड। ये फेविक्विक की तरह है, फेविक्विक भी यूज़ कर सकते हैं आप ये चिपकाने के लिए। ऐसा ग्लू छोड़ना पड़ता है इसमें पैकिंग के लिए। यहाँ पर कॉर्नर में थोड़ा दिक्कत होती है बिठाने के लिए, पर बैठ जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं बैठेगी। ये नाइट में वीडियो बनाया है क्योंकि जो मूंछ की रोशनी जो है आपको दिखाई दे इफेक्ट कैसा रहेगा इसका। डे में तो इफेक्ट समझ में नहीं आता है, मतलब बहुत डल लगती है लाइटिंग। आप डायरेक्टली लाइटिंग लेकर घर पर भी बना सकते हैं, कुछ ऐसा मतलब दिक्कत वाला काम नहीं है। आसान काम है सब। कट कर
यहाँ पर शोल्डरिंग या वायरिंग कुछ तो डैमेज है यहाँ पर। कुछ दिक्कत नहीं, ये दूसरी भी बनाई वाली हमने, उस पर भी बहुत शानदार है, ये देख सकते हैं ब्लू ब्लू कलर में, ये ब्लू रोशनी छोड़ेगी। डिज़ाइन वगैरह कैसा किया है, देखिए बहुत ही बेहतरीन शानदार है क्वालिटी। न्योन लाइट, इसके ऊपर डायमंड भी बिठाए गए हैं, दिन में ऐसे देखेगी और रात में चमकेगी। किसी को चाहिए ऑर्डर कर सकते हैं। ऐसी नई नई वीडियो के लिए लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अलग चीज़ के साथ। यहाँ पर देखिए ये शोल्डर टूटा हुआ है, इसलिए ये मतलब थोड़ा डैमेज हो गया, इसलिए तो बहुत शोल्डरिंग इसको अच्छे से करना पड़ता है प्रॉपरली। ये देखिए आप शोल्डरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ के साथ।